हाँ, 11th क्लास स्टूडेंट, बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, जैसे कि आपने देखा था हमने इससे पहले की क्लास में, ठीक है, परमाणु संरचना हमारा जो अध्याय था वो हमने चालू किया है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। मैंने आपको बताया था कि परमाणु अणु और जो आयन है इनका आकार कैसा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ये गोलाकार होते हैं, और मैंने आपको इसका एक प्रतिचित्रण बोर्ड में आपको बनाकर दिखाया था, और वो आपने देखा हुआ था। बच्चों, देखा था आपने, मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु अणु या आयन के नाभिक में न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं, और मैंने बताया था नाभिक के चारों तरफ कुछ वृत्तीय सर्कल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। बच्चों, इन ऑर्बिट का जब हमने एक्सरे टेक्नीशियन के थ्रू, है ना, एक्सरे विवर्तन अध्ययन किया, तो हमने पाया कि इन ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। बच्चों, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से आपको अपने पिछले वीडियोस में हमने शेयर किया, और वो आपने देखा हुआ है। बच्चों, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी, उस लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने अफबाऊ का नियम आपके सामने रखा था, और मैंने आपको बताया था कि अफबाऊ का नियम क्या था। तो बच्चों, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे, ठीक है, डेफिनेशन पे, तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, जल्दी से डेफिनेशन आपके सामने आ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि अफबाऊ जो है वो किसी भी वैज्ञानिक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है बच्चों, जिसका मतलब होता है क्रमिक, क्रमबद्ध रूप से रचना या निर्माण करने वाला। प्रश्न उठता है बच्चों की ये रचना या निर्माण किसका करता है, तो बच्चों चूंकि ये छोटे छोटे परमाणु अणु और आयनों का क्रमबद्ध रूप से निर्माण करता है, उनकी रचना करता है, और ये अणु परमाणु और आयन मिलकर, ठीक है, हमारे सुख सुविधा के जो भी भौतिक मटेरियल्स हैं, भौतिक वस्तुएं हैं ना, जो भी वस्तुएं आप देख पाते हो हमारे इर्द गिर्द, ये समूचा विश्व, ये समूचा संसार, ये सभी उन्हीं चीजों से मिलकर बना हुआ है। समय के साथ आप सारी चीजों को समझ जाएंगे, ठीक। अभी हम बहुत ज्यादा इनको डिटेल में नीचे ले जाने की कोशिश ना करें, हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा हमारे पास, आज मैंने टॉपिक लिया हुआ है अफबाऊ के नियम की उपयोगिता। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको अफबाऊ का नियम बताया था। नियम ये था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि नियम क्या था कि किसी भी तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का भरने का जो क्रम था वो हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में होता है। और मैंने आपको बताया था कि नाभिक के अति निकट जो ऑर्बिटल होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो भराव है, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, उन ऑर्बिटल में हो जाती है, और उन जब वो ऑर्बिटल्स भर जाते हैं तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो उनसे आगे उच्च ऑर्बिटल्स में या उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में या कक्षक में प्रवेश करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, ये सारा वीडियो जो है ये एक बार आप देखिएगा। हमको समझना है कि अफबाऊ के नियम की उपयोगिता क्या है। इसकी उपयोगिता को समझने के लिए बहुत साधारण शब्दों में समझ लीजिए बच्चों, कि जब हमको तत्व का क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझना है, जब आपको किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका करना होता है, तो हम अफबाऊ के नियम का उपयोग करके उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझने के लिए एक प्रतिचित्रण आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बच्चों, अगर मान लीजिए ये आपके पास एक परमाणु नाभिक है, ये हमारे पास परमाणु नाभिक है, इस नाभिक के इर्द गिर्द बच्चों अलग अलग ऑर्बिटल्स मौजूद थे, जैसे कि सबसे पहले था 1s ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, फिर 2s 2 ऑर्बिटल, फिर 2p 6 ऑर्बिटल, उसके बाद था बच्चों 3s 2, 3p 6, 3d 10, फिर था बच्चों आपके पास 4s 2, 4p 6, 4d 10 और 4f 14, 5s 2, 5p 6, 5d 10, 5f 14, 6s 2, 6p 6, 6d 10, इसी तरह
ऐसे बच्चों 7s2 और 7p6। बच्चों इन ऑर्बिटल्स के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की सीरीज तैयार करेंगे। सीरीज कुछ इस तरह से होगी बच्चों की, ये जो नाभिक है, इस नाभिक से होता हुआ आप क्या करेंगे, किस तरह से तीर का जो निशान है वो ड्रॉ करेंगे, जिसमें जो तीर है वो ठीक है ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इसी लाइन के समानांतर आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करते जाएंगे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करिए ठीक है। और आप काउंट करेंगे तो कुल हम 9 लाइन हमको ड्रॉ करनी होंगी ठीक है। मैं आपको भी काउंट करके भी दिखाऊंगा ताकि आप कोई भी गलती ना करें इसको बनाने में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि भविष्य में अब आज के बाद आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये उपयोगी है। बच्चों सभी जो लाइन आपने ड्रॉ की है काउंट कर लीजिए, टोटल 9 लाइन हो गई हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हमने 9 लाइन ड्रॉ की। प्रत्येक लाइन में बच्चों हम ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ तीर का निशान लगा देंगे इस तरह से। फिर क्या करना है बच्चों आपको, फिर बहुत केयरफुली है ना, ध्यान पूर्वक पहली लाइन जो आपकी पहली तीर की नोक है ना, उस तीर की नोक को दूसरे वाले तीर की पूंछ के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर दूसरे वाले तीर की नोक को तीसरे वाले तीर की पूंछ से जोड़ दीजिए, और इस क्रम को आप क्या करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। बच्चों जब आप इस तरह से ये पूरा एक पैटर्न है ना फॉलो कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का आपको एक बहुत ही सुंदर सा प्रतिचित्रण प्राप्त होगा, एक चित्र प्राप्त हो जाएगा। और ये जो प्रतिचित्रण आप प्राप्त करोगे ना बच्चों, ये प्रतिचित्रण अफवाहों के नियम की उपयोगिता आपको निकाल कर देगा जब आप किसी तत्व का क्या बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उस पर भी बात करेंगे। बच्चों करना क्या है, अब इस प्रतिचित्रण में ये जो एक सुंदर सा हमने प्रतिचित्र प्रतिरूप बना लिया है, इसमें नाभिक के पास से आपको चलना है, और ये जो तीर का निशान आप देख रहे हो ना, जिगजैग पाथ आपको जो मिल रहा है, इस जिगजैग पाथ में आने वाले जो भी ऑर्बिटल्स आपको दिखते जा रहे हैं उनको एक क्रम में आप क्या कर लीजिए, एक श्रेणी में लिख लीजिए। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है 1s2 ठीक है, उसके उसी लाइन में जब आप आगे की तरफ चल रहे हो तो आपको दिख रहा है 2s2, फिर उसके बाद दिख रहा है आपको 2p6, फिर उसके बाद आप चल रहे हो बच्चों तो आपको दिख रहा है 3s2 ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 3p6, फिर उसके बाद आपको दिख रहा है बच्चों 4s2, फिर उसी के आगे जब आप चल रहे हो तो आपको मिल रहा है 3d10। इसी क्रम को आपको बच्चों फॉलो करते जाना है ठीक है, और आपको आगे ये पूरी सीरीज को क्या कर लेना है, लिख लेना है। जब आप इसको पूरे इस पैटर्न को लिख लेंगे बच्चों तो ये जो सीरीज आप क्रिएट करोगे आपके सामने ये जो सीरीज आ जाएगी, इस सीरीज का उपयोग हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने में क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे उसके लिए भी अब इसका पूरा एक उपयोग मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। कुछ एक एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूं ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले हाइड्रोजन ले लूं तो बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है बच्चों तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल होता है और 1s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमारे हाइड्रोजन के पास उसका परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात उसके पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1s। हम अधिकतम 2 रख सकते हैं लेकिन हमारे पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कितना लिख देंगे, 1s1। तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, सपोज अगर मैं हीलियम ले लेता हूं बच्चों तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है हमको मालूम है, अभी भी 1s से ही स्टार्ट होगा और 1s हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, इसलिए अब हम यहां पे सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं, 1s2। इसी तरह से बच्चों मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मैंने ले लिया लिथियम, परमाणु क्रमांक 3 है इसका ठीक। यहां पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हम पहला देख रहे हैं बच्चों, जैसे कि आप जो हमारा पहला ऑर्बिटल है वो है 1s2 और यहां पर बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम सबसे पहले रखेंगे
वन एस टू, केवल दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक है। अभी भी हाइड्रोजन लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता, बच जाता, तो सीधी सी बात है वो शेष इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जंप करके अगले वाले के पास चला जाएगा, ठीक है। अब वो अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाएगा, बिल्कुल है ना, वो आ जाएगा बच्चों 2s के पास। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 2s के पास आ जाएगा, हाँ। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो सबसे इंटरेस्टिंग है यहां पर कि पहले 1s 2 में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, अब एक इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जंप करके किसके पास चला जाएगा, बिल्कुल सही 2s के पास चला जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, हम अधिकतम दो रख सकते हैं, लेकिन हम कितने रखेंगे, केवल एक रखेंगे, ठीक है। तो बच्चे इस तरह से लिथियम 3 का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल और भी ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बेरिलियम 4 ले लेता हूं बच्चों, तो अब आप देख सकते हो पहले में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, बिल्कुल सही दो इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो 1s2। फिर उसके बाद अगले दो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2s2 में प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और, मैं बोरोन 5 ले लेता हूं, तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाएगा, शेष दो इलेक्ट्रॉन 2s2 में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब वो 2s2 के बाद किस में जाएगा, पी में। हम पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 2p। 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं पर हमारे पास एक ही बचा, तो हम सिर्फ एक रखेंगे, तो वो हो जाएगा 2p1, ठीक है। बच्चों कुछ और भी एग्जांपल अभी आपके सामने ले रहा हूं ताकि आप इसको समझे और आप इसको अच्छी तरह से करते चले, ठीक है। तो मैं अगला एलिमेंट ले रहा हूं बच्चों, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो पहले शेष इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। पी में आप मैक्सिमम 6 रख सकते हैं, बट अभी हमारे पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन शेष थे तो हमने दो रखे। नेक्स्ट एलिमेंट ले रहा हूं नाइट्रोजन 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा बेटा इसका 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन 8 होता है और कॉन्फिग्रेशन मिलेगा बच्चों उसका 1s2, 2s2 और 2p4। अब आप बोलोगे सर आप 4 में ही रखते जा रहे हो, आगे जंप नहीं कर रहे हो। बच्चों इसलिए जंप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पी ऑर्बिटल की कैपेबिलिटी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की है। फ्लोरीन 9 पर चलेंगे बच्चों, फ्लोरीन 9 ये मिलेगा हमको 1s2, 2s2 और 2p5। इसी तरह से आ जाएंगे बच्चों नियोन 10 में, नियोन 10 के लिए कॉन्फिग्रेशन मिलेगा आपको 1s2, 2s2 और 2p6। यहां पर आपने देखा आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे जैसे ही सोडियम 11 पर, तो हमको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6। अब एक इलेक्ट्रॉन शेष है तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाने वाला है बच्चों, बिल्कुल सही है ना। मैं थोड़ा सा पेज को बैक करता हूं ताकि आप समझ पाए और मैं आपके सामने रिपीट कर पाऊं उस चीज को, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा तो बच्चों जैसे कि आपने देखा 1s2, 2s2 और 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जंप किस में होता है, 3s2 में होता है, ठीक है। तो वापस चलेंगे हम 3s2 पर, ठीक है। तो सोडियम 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद आ जाएगा बच्चों 3s, तो केवल इलेक्ट्रॉन एक ही है तो 3s1। सपोज बच्चों अगर मैं इसी तरह से आगे ले लूं, ठीक है, मैग्नीशियम 12, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो और आप इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अभी हमने सीखा ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, और अगर आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इतने ही उतने ही इसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है।